अपने बालकपन अवस्था में ही होती हैं, ऐसे ही वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो तो बिल्कुल अलग तरीके से बदलती हैं। जब कोई ऐसी शक्ति समाज में आती है, परिवार में आती है, तो उसके आने से ही घर की बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का ग्रह नक्षत्र योग अलग अलग होता है और वह उस पर प्रभाव बहुत प्रभाव डालता है, बहुत प्रभावशाली होता है। तो जीवन में हमेशा कोशिश करना चाहिए कि घर का जो माहौल हो वो बहुत सकारात्मक हो। सकारात्मक माहौल से विकास की एक ऐसी सीढ़ी आती है जहाँ हमारा जुड़ाव कथा प्रसंगों से होता है, और जीवन में जब कथा प्रसंगों से जुड़ाव हो जाता है तो अपने जीवन को धन्य समझिए। ये जीवन में कथा प्रसंग से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तो जब हमको कथा मिले, धर्म का कार्य मिले और अपने बड़ों का सम्मान करने का अवसर मिले तो कभी इसको खोना नहीं चाहिए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गुरु की सेवा, अपने के बड़ों की सेवा, धर्म की सेवा, इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो ऐसे अवसर हमको प्रदान करवाते हैं, बिना इसके इस अवसर के कोई काम मिलता नहीं है। दुनिया के सारे काम हो जाएंगे उल्टे सीधे, लेकिन ऐसे काम के अवसर जीवन बीत जाएगा लेकिन नहीं आएगा। अगर आपके जीवन में आया है तो समझिए कि प्रभु राम की बहुत बड़ी कृपा है, बिना कृपा के ऐसी चीजें जीवन में मिलती नहीं है। तो हर व्यक्ति को ये कोशिश करना चाहिए किस तरीके से हम अच्छा काम करें कि पूरे समाज का उससे फायदा हो, पूरे समाज का हित हो। तो यहाँ पर जब माँ आती है, बहुत छोटी अवस्था में अभी है, लेकिन आप जब सबको पता है कि हमारे जो नारद जी हैं ये भक्ति के अग्रदूत है, इस सृष्टि में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा राम की कृपा हुई है उसकी मुलाकात उतनी जल्दी नारद से हुई है। तो नारद जी अपनी पीड़ा बजाते हुए, नारद जी कहा, नारद जी का कोई स्थान ही नहीं है। नारद जी कहीं पर सिर्फ उतने समय तक के लिए रुकते हैं जितने समय तक कोई व्यक्ति गोधन करता है, यानी गौ माया से दूध निकाल सकता है उतने समय तक ही वो खड़े होते हैं, बस उससे अधिक समय तक वो रुकते नहीं गए, बाकी वो नारायण नारायण कहते हैं। क्योंकि भगवान राम के परम परमेश्वर के सारे गुण बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनको बहुत बार नचाए भी, नारद जी को बहुत नचाए भी आई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कौवस नहीं जने मां जग माए, कौवस जो जानकारी मिली कि परंपरा का जन्म हो चुका है, तो अपनी पीड़ा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन हरी हरी जय जय हरी 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 मन।
जी अब राजा हिमाचल के यहाँ आ गए। जो हिमाचल है वास्तव में जो ही पहाड़ यानी जहाँ तक ऐसी व्यवस्था हो जो पहाड़ पर्वत यानी यह योग साधना और देवताओं की अपने पुण्य का काम करने के लिए स्थान बताए गए शास्त्रों में, इसी कारण इसे देवभूमि भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब पहुंचते हैं नारद जी तो सबकी बातें आती है कि कोई बेटी बेटा पैदा होता है, हालांकि आज संख्या कुछ कम है। सबसे पहले लोग उसका कुंडली बनवाना, नाम रखवाना, किस राशि में जन्म लिया उसके अनुसार नाम रखना, हर माता पिता की इच्छा होती है उसके बारे में जाने की, क्या करेगा क्या नहीं करेगा क्या होना है। तो जब नारद जी आ गए परम ज्ञानी तो दोनों पति पत्नी यानी यहाँ राजा हिमाचल और गैक्सी ये दोनों लोग यहाँ गैक्सी मैना के रूप में है, वही जो